और आज जो मैंने मिला, आज तो मेरा होश उड़ गया सर। मैं सोच रहा था मैं जिंदा क्यों हूँ। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद अभ्यर्थी के क्यों उड़े होश, सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज हम बात करेंगे स्टेट 2019-20 अभ्यर्थियों के साथ में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। SKET उत्तीर्ण अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार उनके साथ है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को ये भी कहेंगे कि चंदा चोर गैंग से सावधान हो जाए, किसी को भी 1 रुपया नहीं दें, सरकार और शिक्षा विभाग के बड़े लेटर का इंतजार करें। मैरिट और नॉन मैरिट अभ्यर्थियों को उलझाकर कुछ अभ्यर्थी केस के नाम पर कर रहे हैं चंदा चोरी, सावधान हो जाएं। शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल के संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली हो और शिक्षा सुधार रोजगार के बड़े दबाव के बाद शिक्षा विभाग भी बड़ा लेटर जारी कर सकता है। SKET 2019-20 संपूर्ण आंकड़ा, कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, किस कोटी में कितने रिजल्ट हुए, सभी आंकड़ा शिक्षा विभाग 1 से 2 दिन में प्रकाशित करने वाला है। कुछ अभ्यर्थी चंदा चोर गिरोह के कब्जे में, उनसे हम कहना चाहेंगे पहले सरकारी आंकड़ा देख लें, इसके बाद ही किसी को चंदा दे। अगर सीट के बराबर रिजल्ट हुआ या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आगे शिक्षा विभाग इसमें और रिक्ति बढ़ाकर अभ्यर्थियों को ले, इस पर कार्य शिक्षा सुधार रोजगार कर रहा है। अगर रिक्ति बढ़ी और आप अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो गई और आप जो अभी चंदा धड़ल्ले से दे रहे हैं, आप शिक्षा विभाग के लेटर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आंकड़ों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप समझे कि अगर उन आंकड़ों में अगर आपकी बहाली सुनिश्चित हो गई और आप चंदा चोर को चंदा दे रहे हैं तो आपका पैसा बर्बाद होगा, सो अलग आप अपने ही पैसे से जहर खरीद के खुद खाएंगे, क्योंकि चंदा चोर का मेरिट बहुत ही कम है, वो किसी भी हालत में इस बहाली में नहीं आ सकता। और चंदा चोर के अकेडमिक मेरिट के कम होने के कारण वो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बरगला कर केस आगे बढ़ा रहा है। पर आप समझे कि अब मेरिट और नॉन मेरिट कोई मुद्दा ही नहीं है, अब मुद्दा है संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली का। ऐसे में बड़ी बात यह है कि अपनी जमीर से आप ये जरूर पूछें कि अभी जो हालात हैं, मेरिट और नॉन मेरिट कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसे में आप अभ्यर्थियों के एक केस से कितने ही अभ्यर्थियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप पटना हाई कोर्ट में ये मांग करोगे कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली की जाए, और अगर आप केस जीत भी जाते हो तो हार इंसानियत की होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर आप 25,000 अभ्यर्थियों को तो सरकार बहाल कर लेगी, पर हारेगी इंसानियत। आप ये समझे कि नोटिफिकेशन में ये साफ तौर से जिक्र है कि जो नोटिफिकेशन में मेरिट में अभ्यर्थी उन्हीं की बहाली हो, बाकी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। अगर ये केस आप जीतते हैं तो इंसानियत हारेगा, क्योंकि अभी के हालात में जो नॉन मेरिट में अभ्यर्थी उनको भी प्रमाण पत्र देकर नियोजन निकाय में भेजकर सीट बढ़ाने की बात हम जो कर रहे हैं उसमें सभी की बहाली सुनिश्चित है। पर आप अभ्यर्थियों के गलत फैसले, स्वार्थ भरे फैसले के कारण आप समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी अभी ऑनलाइन परीक्षा देकर आए हैं, हर तरह से एलिजिबल हैं, उनका भविष्य क्या होगा। उनका भविष्य आप खराब नहीं कर रहे हैं, आप बिहार के भविष्य को खराब कर रहे हैं। ऐसे में आप मेरिट वाले अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, मैं नीरज खुद मेरिट में हूँ, पर मैं बिहार के भविष्य को देख रहा हूँ, मैं इंसानियत के भविष्य को देख रहा हूँ, इसलिए मैं कोई गलत केस के पक्ष में नहीं हूँ। और आप अभ्यर्थियों से भी कहूँगा कि ये मेरिट वाला केस आप छोड़ दें, आगे संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली के लिए जो PIL आगे हम बढ़ा रहे हैं उसमें सहयोग करें। अगर सीट बढ़ेगी तो सभी अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। ये एक सुनहरा मौका है आप अभ्यर्थियों के लिए। आप प्रधान सचिव का बयान भी देख लें, 12 मार्च 2021 को प्रधान सचिव ने जो बड़ा बयान दिया था, जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था अंत समय में, प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा था कि हम सीटों को रिकैलकुलेट करेंगे और फिर से एडवर्टाइज करेंगे, किसकी बहाली हुई किसकी बहाली नहीं हुई ये देखेंगे, और आगे हो सकता है इस बयान में बहुत कुछ छिपा हो और आगे रिक्ति बढ़ने की पूर्ण संभावना है। आज शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले मैं खुद सचिवालय जा रहा हूँ और हम ये मांग कर रहे हैं कि सीटों को रिकैलकुलेट करके जो भी रिक्तियां सरकार के पास हैं, वो चाहे 33,916 हो या छठे चरण में जो 25,000 सीट बच रही, ये दोनों सीट जोड़कर लगभग 1,00,000 सीट करके संपूर्ण रिक्ति पर जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं सभी की बहाली की जाए, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चल रहा है। ऐसे में प्रधान सचिव ने जो कल बड़ा बयान दिया, आपने भी सुना होगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में 90 दिन के अंदर वो ये बहाली प्रक्रिया पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में जैसे ही सरकार आंकड़ा जारी करेगी स्टेट 2019-21 पूरी परीक्षा का, कि किस कोटी में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, पूरा रिजल्ट कितना है, इसको देखने के बाद आगे सीट और रिक्ति पर हम बात करेंगे और
हम कामयाब जरूर होंगे। और शिक्षा सुधार रोजगार और मैं नीरज आप अभ्यर्थियों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ कि रिक्ति बढ़े और हमें 100% यकीन है हम जो कार्य कर रहे हैं सारे दस्तावेज हमारे पक्ष में हैं, इसमें रिक्ति या तो PIL के सहारे बढ़े या कागजी कार्रवाई के सहारे बढ़े, हम किसी में पीछे नहीं हैं। हम सचिवालय शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक सभी ज्ञापन को दे रहे हैं। आगे हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनको कुछ अंकों का अगर वेटेज भी दे दिया जाए तो भी आगे बहाली प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी अभ्यर्थी मेरिट में हैं किसी केस मुकदमे के चक्कर में ना पड़े, बहाली पूर्ण करने के लिए साथ आएँ। अब बात करेंगे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 30 जून 2021 के बाद आपकी बहाली की प्रक्रिया में कुछ तेजी आ सकती है, यह शिक्षा मंत्री का नया आश्वासन है। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी 94,000 की बहाली, साथ में 37,000 की बहाली में कुछ उलझने हैं जिनको हम दूर करें। इसके बाद शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली पर भी हम कार्य करेंगे। इस बीच अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। अभ्यर्थी पहुंचे शिक्षा मंत्री से मिलने और अभ्यर्थियों ने अपना रोष भी जाहिर किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद अभ्यर्थी ने क्या कहा। हमारे साथ शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हैं। पिछले 2-2.5 सालों से ये बहाली को लेकर तत्पर हैं पर सरकारी उदासीनता के कारण बहाली नहीं हो पा रही। सर क्या नाम हुआ आपका? मोनू रंजन हुआ सर नाम। कितने सालों से सर आप परेशान हैं और अभी जो आप शिक्षा मंत्री आवास में आए हैं क्या बातें? पिछले 10 सालों से हम लोग परेशान हैं सर कि बहाली लिया जाए। इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट भी गए, उसके बाद हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में जजमेंट भी दिया और शिक्षा विभाग को ये बोला कि शारीरिक शिक्षक का आप जल्द से जल्द बहाली कीजिए 6 महीने के अंदर। ये हाईकोर्ट का गाइडलाइन है। उसके बाद वैकेंसी आई, हम लोग फॉर्म भरे, हम लोग एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और उसके बाद आज 100 में से 84 नंबर लाने के बाद 2019 में एस टेट की बहाली हुई थी और उसमें से हम क्वालिफाई किए 3523 लड़के। मात्र 8000 वैकेंसी में से मात्र क्वालिफाई होता है 3523, उसमें भी 2019 में हम लोग पास किए और अभी तक उसके लिए कुछ नहीं। आज जब आप शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं क्या कहा उन्होंने? सर शिक्षा मंत्री से पिछले हम लोग 2 साल से मिल रहे हैं, पिछले वाले भी शिक्षा मंत्री से मिले और आज जो मैंने मिला आज तो मेरा होश उड़ गया सर। मैं सोच रहा था मैं जिंदा क्यों हूँ। मैंने जब अपना विज्ञापन और मैं अनुरोध जब किया कि सर हमारा सर अपील लिया जाए सर, बहुत दिन से हम लोग लगे हुए हैं सर, दर दर का ठोकर खा रहे हैं सर, BPED किए सर, MPED किए सर, SAT क्वालिफाई किए सर, सारा सर हमारे पास योग्यता है सर, हमको सर जल्दी से ज्वाइन करा दीजिए। तो बोला हमसे पूछ करके BPED किए, हमसे पूछ करके टैट का एग्ज़ाम दिए, ये कौन सा जवाब है? ऐसे में उन्होंने कोई आश्वासन दिया? कोई आश्वासन है, उन्होंने बोला कि हमसे पूछ के किए, ठीक है मिलते रहिए, ऐसे ही मिलते रहिए। अगली रणनीति क्या होगी? 5 तारीख को हम लोग एकत्रित होंगे, घेराव करेंगे शिक्षा मंत्री का और हम लोग उसी दिन सुसाइड करेंगे और कोई विकल्प नहीं है सर। बिहार में जिंदा रहना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। आप देख सकते हैं कि ये शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी हैं, स्टेट के साथ इनकी परीक्षा हुई थी और अभी जो फिलहाल स्थिति है आप भी जानते हैं कि इनकी जो रिजल्ट इनका आया है उसमें कोई समस्या नहीं, फिर भी इस तरह का समस्या हुआ। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, धन्यवाद।